हम नाप दे चुके हैं, लंबाई है 38 इंची, हिप है 20 इंची, मोरी है 14 इंची। अब इसी के नाप के अनुसार हम कटिंग करेंगे। हम कपन नाप चुके हैं। देखिए हमको पटियाला सलवार के लिए कपड़ा चाहिए कितना, 2.5 मीटर। तो देखिए हमारे पास ये 2.5 मीटर से लगभग ज़्यादा है, 2.5 मीटर माने में 2.5 मीटर है। तो हम इसी के कटिंग करेंगे। देखिए आपको उल्टा सीधा पहले देख लेना है, बेटा ना चलो दोस्तों आपको उल्टा सीधा देख लेना है। देखिए ये उल्टा है, ये सीधा है, तो हमको उल्टा में क्या करना है, मार का एक मार देना है। देखिए दो फोल्ड कर लेना है ऐसे, उसके बाद दो फोल्ड करने के बाद ऐसे हमको चार फोल्ड करना है, चार फोल्ड हमको करना है, चार फोल्ड करके आपको ऐसे बिछा देना है। अब हम तो क्या करना है, इधर का जो है ना एकदम सीधी सी कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमारा जो लंबाई है 38 इंची का, तो हमारा बेंड आएगा 7 इंची तैयारी ऊपर की तरफ से, तो हम 7 इंची माइनस करके आ काटेंगे। देखिए यहाँ पर 7 इंची पर आप रखिए, उसके बाद लंबाई का जितना है उतना लगाइए। 38 इंची लंबाई है तो 38 पर हम लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंची नीचे फोल्ड के लिए लगाएंगे। देखिए उसके बाद हमको ये क्या करना है, सीधी लाइन एक खींच लेना है। इसका मोहरी जो है 14 इंची है, तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 × 2 = 14, यानी 7 इंची पर एक मार्का देंगे और 1.25 इंची एक्स्ट्रा देंगे दबाव के लिए। तो हमको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है लंबाई का। लंबाई हमारे यहाँ से और यहाँ तक नापेंगे तो हमारा आ रहा है 31 इंची, 31 इंची में हाफ करेंगे तो 15.5 इंची, तो हम इसमें और प्लस करेंगे, या आप 3.5 इंची और प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा आप, 1, 2, 3, 18.5 इंची। तो 18.5 इंची पर यहाँ पर मार्का मार देंगे, या 2.5 इंची आप प्लस कर सकते हैं, या 3 इंची भी, तो 2.5 इंची हम प्लस इसमें करेंगे। उसके बाद ये मोहरी वाला जो निशान है, ये निशान से और ये कली वाला निशान से मिला देंगे। देखिए ये अब हम इसी पर कटिंग करेंगे। आप इंजी आपको छोड़ कर कटिंग कर देना। देखिए अब ये कपड़ा जो है हमको ऐसे उठाकर ऐसे रख देना है। अब जितना चुन चाहिए उतना ये ऊपर आपको कर देना है। ये यहाँ से आप वैसे सीधी लाइन एक खींच लेना है, और यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए अब हमको हाइट को निशान लगाना है, तो हम हाइट रखेंगे इसका 8.5 इंची, तो 8.5 इंची पर हमको कट करना है। देखिए ये निशान पर हमको कट करना है। देखिए हमारा ये निशान कट चुका। अब हम इसका निकालेंगे,
नेफा यानी ही। मतलब दो फोन नंबर अपना है ऐसे ऐसे हमको सीधा लाइन एक घींच लेना है, उसको कटिंग हम कर देंगे उसी पर। अब हमको नेफा के लिए 9.5 इंची रखना है, 1.5 इंची हमारा लास्ट के भाग में चला जाएगा, उसके बाद में 1/2 इंच नीचे की तरफ चला जाएगा, हमको बचेगा कितना 7 इंची। तो 7 इंची हमको तैयार चाहिए, तो 7 इंची आ रहा है, तो 9.5 इंची पर हम कटिंग करेंगे तो हमारा नेफा तैयार होकर आएगा 7 इंची। एक सीधा सा निशान आपको लेना है, इसी निशान के अनुसार कटिंग करना है हमको। अब नेफा नापिएगा, 20 इंची आ रहा है, तो आप चाहेंगे तो 1/2 इंची कम कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो 1/2 इंची से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम कम कर दे रहे हैं, इसमें से 1/2 इंची हमारा 20 इंची नेफा तैयार हो जाएगा। देखिए ये जो है 20.5 इंची है, तो 1/2 इंची इधर दबाव जाएगा, 20 इंची हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसका काटेंगे पॉकेट, देखिए पॉकेट का लंबाई जो है हमारा 14.5 इंची का रहेगा, और चौड़ाई जो है हम 6.5 इंची रखेंगे या 7.5 इंची। थोड़ा सा इधर गोल घुमा दीजिए, हो गया हमारा ये पॉकेट, ये हमारा कटिंग।